पे आ रही है। बता दें कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं 6 बागी और बता दें कि 3 निर्दलीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर है, बीजेपी हेडक्वार्टर में ज्वाइनिंग हो सकती है, ज्वाइनिंग के बाद हिमाचल लौटेंगे सभी। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, 3 निर्दलीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 6 बागी विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी वो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी हेडक्वार्टर को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइनिंग के बाद सभी हिमाचल लौटेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि 6 बागी विधायक जिनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई थी कांग्रेस के चुनाव में, कांग्रेस के जो 6 बागी विधायक थे उनसे जिन्होंने कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है उनका चुनाव लड़ना था पर क्रॉस वोटिंग की गई थी, वो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ज्वाइनिंग के बाद वो हिमाचल लौट सकते हैं, सभी के सभी हिमाचल लौटेंगे, बीजेपी को ज्वाइन करेंगे सभी 6 के 6 बागी विधायक और इसके साथ ही जो 3 निर्दलीय थे उनकी भी बीजेपी ज्वाइन करने की जो खबर है वो सामने आ रही है। बीजेपी ज्वाइनिंग कर सकते हैं 6 बागी विधायक, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 6 बागी विधायकों की जिनके द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई थी। 3 निर्दलीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं बाकी जो 3 निर्दलीय हैं और बीजेपी हेडक्वार्टर में जो है इनकी ज्वाइनिंग हो सकती है और ज्वाइनिंग के बाद सभी हिमाचल लौटेंगे। ये बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की बता रहे हैं हम आपको। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में जो है क्रॉस वोटिंग की गई थी इन 6 बागी विधायकों की तरफ से, 6 बागी विधायक जो है अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है, कई बार जो शंकाएं हैं लगातार बन रही थी कि कौन सी पार्टी जो है ज्वाइन करेंगे, पर अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है बीजेपी ज्वाइन करेंगे ये 6 के 6 बागी विधायक और बता दें कि 3 निर्दलीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ज्वाइनिंग के बाद हिमाचल लौटेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 निर्दलीय भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बड़ा झटका है ये हिमाचल में कांग्रेस को जो बड़ा झटका लगा है, बीजेपी में शामिल होंगे ये बागी विधायक। छह बागी विधायकों की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल में कांग्रेस को एक बड़ा झटका इससे लगा है, आज बीजेपी में शामिल होंगे बागी विधायक और इसमें 3 निर्दलीय जो नेता हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि हेडक्वार्टर को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइनिंग के बाद ये सभी हिमाचल लौटेंगे। तो ये हिमाचल में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है लोकसभा चुनाव से पहले, 3 निर्दलीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो 6 बागी विधायक जिनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई थी। तो इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कामेश्वर शर्मा जुड़ चुके हैं शिमला से। कामेश्वर, 6 बागी विधायक जिनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई थी आज वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए? जी बिल्कुल, इसमें कोई दोराई नहीं है कि ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आज खासकर अगर राज्यसभा की अगर हम बात करते जो 6 क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि जो बड़सा की विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, चैतन्य समेत जो 6 बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, और खासकर जो कांग्रेस की बात करें तो पूर्ण बहुमत से आई थी। उनके बाद 40 विधायक थे, 3 निर्दलीय थे, 25 भाजपा के थे, लेकिन जो 6 बागी विधायक है उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट डाला, वही 3 निर्दलीय ने डाला। जो आंकड़ा था वो 34-34 हुआ। उस दौरान जो उसके बाद लॉटरी के माध्यम से जो हर्ष महाजन विजय हुई, वही अभिषेक मनु सिंह भी इसमें पराजित हुए। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है 34-34 का आंकड़ा है, कहीं ना तो कहीं अब लोकसभा चुनाव जीता कांग्रेस के लिए एक कठिन परिस्थिति हो सकी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, जिस तरीके से कभी वो बागी विधायकों को काला नाग, मेंढक या गद्दार कहा जाए, तो ऐसे में अब जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि बागी विधायक कांग्रेस शामिल कर सकते थे, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी के बाद जो विधायक गण है वो अत्यधिक नाराज है। अगर केएल ठाकुर की बात करें, उनके बेटे, उनके परिजनों के ऊपर FIR दर्ज की गई, वही अगर बड़सा के विधायक लखन की बात करते हैं तो उनके जो घर के लिए नोटिस दे दिया गया है, उनका छज्जा तरीके बना। अब देखने वाली बात है कि जो उनका जो ये मकान बना होता लगभग 20 वर्ष पहले बना था, 15 से 20 वर्ष पहले, अब सरकार द्वारा, नगर निगम के द्वारा उसे तोड़ने का आदेश दिया जा रहा है, तो कहीं ना तो कहीं नोटिस जारी किया गया है। अब जो बागी विधायक है उनका कहना है कि प्रतिशोध की भावना से जो सरकार कार्य कर रही है वो उचित नहीं है। ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो लोकसभा चुनाव जीतना कहीं ना तो कहीं मुश्किल भरा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए हो चुका है। अगर बात करें सांसद
सांसद व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की जो वो दिल्ली से लौटी, उन्होंने स्वयं कहा था कि अगर एमपी फंड से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और खासकर जो मंडी में है काफी कमजोर स्थिति है, जिस तरीके से पदाधिकारी और कर्मचारियों के कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे, ऐसे में उन्होंने पहले मना किया था, इनकार किया था वो मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लेंगे। ऐसे में जो आम पब्लिक है या पदाधिकारी है उनका भी कहीं ना तो कहीं मनोबल जरूर गिरा है। तो अब जो लोकसभा का जो चुनाव है, अगर देखा 2014 और 2019 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं बार बार गद्दार कहे जाने पर और उसके साथ ही बार बार FIR दर्ज उनके ऊपर हुए हैं, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को ही मांगने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 बागी विधायक जो कि बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके साथ ही 3 निर्दलीय जो है इसमें शामिल हैं। ये भी जो है खबर आ रही है कि 3 निर्दलियों के द्वारा भी ये बीजेपी को ज्वाइन किया जा सकता है। बीजेपी के हेडक्वार्टर को इनकी ज्वाइनिंग है हेडक्वार्टर में हो सकती है और ज्वाइनिंग के बाद ये सभी हिमाचल लौटेंगे। एक बड़ा झटका हिमाचल में कांग्रेस को लगा है लोकसभा चुनाव से पहले, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में एक बड़ा खामियाजा जो है सुखविंदर सुक्खू सरकार को जो है ये भुगतना पड़ सकता है और एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। बीजेपी हेडक्वार्टर में इनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। आपको बता दें कि ज्वाइनिंग के बाद सभी जो है हिमाचल लौटेंगे।